नमस्कार, निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को एक बनते हुए घर के लिए जो अब तक का पूरा काम किया गया है इस घर के लिए अंदर से और बाहर से, उसको दिखाते हुए इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया है इसके बारे में आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं या फिर घर बनवा रहे हैं, आप इस बनते हुए घर को पूरा देख लीजिएगा। आपको पता चलेगा कि आपको अपने घर में किस तरीके से काम कराना है और कैसे कम पैसा में अपने घर को आप सुंदर बना सकते हैं, इसके बारे में आप बहुत अच्छा आइडिया ले सकते हैं, क्योंकि इस घर के अंदर में और बाहर में बहुत अच्छा से काम है वो किया गया है। आइए पार्ट वाइज देखते हैं, इसके हर एक पार्ट के बारे में जानते हैं कि किस तरीके से इसे बनाया गया है। सबसे पहले बात कर लेंगे घर के फ्रंट और साइड एलिवेशन के बारे में, जो कि चीप एंड बेस्ट डिज़ाइन के साथ में यहाँ पे काम है वो किया गया है। जैसे कि इस घर के अगर खिड़की की बात कर लिया जाए तो ये देख पा रहे हो सामने की तरफ या फिर जो साइड की तरफ विंडो है वो बॉक्स के साथ साथ ऊपर में कुछ डिज़ाइन का काम किया गया है। साथ में सामने की तरफ लगभग 3.5 फीट बाहर निकला हुआ और लगभग मैक्सिमम 4.5 फीट की ऊंचाई पे कुछ इस तरीका से चिप एंड बेस्ट कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे पैरापेट वाल का काम भी किया जा रहा है। आसानी के साथ आप देख पा रहे हो रेलिंग ना लगाते हुए, सिर्फ पाइप लगाते हुए यहाँ पे एक बेहतरीन लुक देने का काम किया गया है। एक बात और आपको बता दूं कि यहाँ पे जो पैरापेट वाला काम आप देख पा रहे हो छत के ऊपर में जो किया गया है, उसे सिर्फ 5 इंची का चौड़ाई के साथ में किया गया है, जिससे काफ़ी ईंट का भी बचत यहाँ पे किया गया है। आपको जगह भी 5 इंची ऊपर में बढ़ जाता है अगर आप छत के ऊपर में बालकनी देते हो, तो इस तरीके से आप इजिली काम करवा सकते हैं। इसके साथ साथ इस घर का बात कर ली जाए तो सामने की तरफ एक सुंदर सा इनर पोर्टिको लगाया गया ताकि घर का लुक को बढ़ाया जा सके, और इसके साथ साथ पार्किंग एरिया भी है। अगल बगल का जो एरिया है उसको भी आप देख लीजिए कि अच्छा खासा ऊंचाई में यहाँ पे घर का काम को किया जा रहा है। तो इनर पोर्टिको है, दाहिने साइड में जो खाली जगह देख पा रहे हो ये कार पार्किंग के लिए जगह भी यहाँ पे लिया गया है। हालांकि इस घर को पुट्टी के बाद वाला जो वीडियो है मेरे पास उसको भी दिखाऊंगा। सामने की तरफ 2 यहाँ पे बालकनी निकाला गया है। इसके साथ साथ ये देखिए कुछ इस तरीके से इसका फ्रंट एलिवेशन हो गया। ज़्यादा से ज़्यादा दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग को बहुत अच्छा तरीके से समझ में आए। यहाँ पे इनर पोर्टिको, जस्ट बगल में पार्किंग एरिया यहाँ पे हो गया जहाँ पे इजिली एक कार पार्क आप कर सकते हैं। कॉर्नर पे वहाँ पे इस घर के लिए मेन एंट्रेंस, और वहाँ पे देख पा रहे आप कि इनर पोर्टिको मतलब अंदर में ही पोर्टिको का निर्माण यहाँ पे किया जा रहा है। सीढ़ी रखा गया है यहाँ पे देख पा रहे हो दाहिने तरफ में, ताकि इसके लिए जो भी ऊपर तला में लोग रहेंगे उनको किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो इधर से ही डायरेक्ट ऊपर की तरफ जा सकते हैं। कॉलम का बात कर लिया जाए तो 10 इंच बाई 10 इंच के आसपास तक का साइज़ का यहाँ पे कॉलम है। हालांकि कुछ कॉलम को 9 इंच बाई 12 इंच का भी इस घर में लगाया गया है। ये जो कॉलम आप देख पा रहे हो इसी के साथ साथ ऊपर में कंटेनर बीम निकालते हुए दोनों तरफ से छज्जा भी निकाला गया है, ताकि इजिली जो लोड है वो कॉलम के जरिए नीचे की तरफ पहुंचाया जा सके। तो इस तरीके से यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सीढ़ी है, सीढ़ी का काम अभी बाकी है, सिर्फ प्लास्टर तक का ही काम का ब्यौरा और खर्चा है उसको मैं अभी तक आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से अंदर से और बाहर से घर के फर्श में कुछ इस तरीके से जो प्लास्टर का काम है वो किया जा चुका है। यहाँ पर हॉल के साथ साथ घुसने के साथ हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया आपको मिलता है। आप देख पा रहे हो आगे वाला जो एरिया देख पा रहे हो डाइनिंग एरिया है, उस कॉर्नर पे आपको पहला रूम, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट पर बाथरूम, यहाँ पे दूसरा रूम, और उसके साथ साथ यहाँ पे इस घर के लिए किचन का काम किया गया। अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से काम किया जा रहा है। उसके बाद इधर आपको 2 रूम और देखने को मिल जाता है। तो टोटल 4 रूम के साथ में ये बनता हुआ घर है। आइए मैं आपको इस घर के लिए जो बनाया गया है किचन प्लेटफॉर्म उसको दिखा देता हूँ। जिस तरीके से स्लैब का कास्टिंग हो चुका है, और इसके साथ साथ थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस घर के लिए जो और काम किया गया है वहाँ पे आपको चलकर दिखा देता हूँ। इस घर के लिए जो भी डोर फ्रेम है उसको उसका जो फिक्सिंग का काम है वो कर लिया गया है, और सीलिंग में इस तरीके से लाइट का पॉइंट दिया गया है बिल्कुल सिद्ध में, आप देख सकते हो। आपको थोड़ा दूर से मैं दिखा देता हूँ, छत के ढलाई से के समय ही यहाँ पे ये सारा काम करवा लिया गया था। उससे पहले ये आर्क का हो या फिर जो सीलिंग का काम है वहाँ पे भी आप देख पा रहे हो। तो छत के ढलाई के समय कुछ इस तरीके से आप सही जगह पे पॉइंट देते हो। अगर आप फॉल सीलिंग नहीं भी करवाते हो फिर भी आपका काम है वो हो जाता है अच्छे तरीके से, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो कंस्ट्रक्शन कोस्ट का वीडियो, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि नीचे का फर्श वगैरह बनाने का काम यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। हालाँकि पुट्टी का काम चल रहा है, लेकिन पुट्टी वाला जो खर्चा है उसको मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ प्लास्टर तक के लिए जो खर्चा है इसके बारे में अपडेट आपको आज दे देता हूं। चूंकि पुट्टी का काम यहां पूरा कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए उसका खर्चा इसमें इंक्लूडेड नहीं करने वाला हूं। तो इस तरीके से प्लास्टर तक का ये
बनता हुआ घर का जो काम है उससे आप देख पा रहे हैं कि किस तरीका से इस घर में किया गया है। चलिए मैं आपको फिर से एक बार बाहर से दिखा देता हूँ। हालांकि इस घर में आपको 4 बेडरूम के अलावा हॉल, अलग से डाइनिंग एरिया, किचन, टॉयलेट, बाथरूम के साथ में सीढ़ी, उसके साथ में छोटा सा आपको इनर पोर्टिको और पार्किंग एरिया भी देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीका से इस घर के लिए जो डिज़ाइनिंग है वो किया गया है। बाहर से भी अच्छा यहाँ पे लुक दिया गया है, साइड से का बात कर लिया जाए या फिर फ्रंट का, चीप एंड बेस्ट कॉन्सेप्ट में यहाँ पे काम है वो किया गया है, इजीली यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। अब जान लेते हैं कि आखिर इस घर का साइज़ क्या है और कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। तो इसे 36 फीट बाई 36 फीट स्क्वायर फीट का बात कर लिया जाए तो लगभग 1300 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि पुट्टी के बाद ये घर है वो कैसा दिखेगा। हालांकि पुट्टी तक का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसमें इंक्लूड मैं नहीं करने वाला हूँ। अब जान लेते हैं कि इस घर को प्लास्टर तक बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा है वो आया था। तो इस घर के ठेकेदार के अनुसार इस घर को प्लास्टर तक का काम कराने में लगभग 15.5 लाख के आसपास में खर्चा आ चुका था, जिसमें लेबर कॉस्ट के साथ साथ मटेरियल कॉस्ट को इंक्लूड किया गया। जैसे कि जो भी इस घर को बनाने में गिट्टी लगा, बालू लगा, सीमेंट लगा, सरिया लगा, मजदूरी चार्ज लगा, जो नक्शा बनाने का खर्चा है वो लगा, वो सारा खर्च मैंने बताया आपको 15.5 लाख के आसपास। तो जैसे ही पुट्टी का काम इसका पूरा कंप्लीट होगा, कलर चढ़ाया जाएगा, स्टेप वाइज वीडियो लाऊंगा, बताऊंगा, दिखाऊंगा कि किस तरीके से इस घर को कंप्लीट किया गया और लास्ट तक बिल्कुल फिनिशिंग तक काम करवाने में टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आया। इस घर का फर्श में ग्रेनाइट वगैरह का काम किया जाएगा, वो सारा स्टेप वाइज आपको दिखाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारा बनता हुआ घर का डिज़ाइन और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।